उदयपुर में उपमहापौर पारस सिंघवी निर्दलीय चुनाव लड़ने की अफवाह पर विराम दे दिया है। पारस सिंघवी ने कहा कि वह देश विरोधी गतिविधियों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और भाजपा पार्टी मेरे प्राण में बसी है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना मेरा हक है और वह मैंने किया। मुझे मेरे समर्थकों कार्यकर्ताओं के मन की भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। टिकट वितरण के बाद से नाराज चल रहे नगर निगम के उपमहापौर पारस सिंघवी और भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के बीच वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की समझाइश के बाद दोनों एक हो गए हैं। पारस सिंघवी ने कहा कि जिसका बचपन ही संघ की शाखाओं में व्यतीत हुआ हो वह व्यक्ति देश विरोधी गतिविधि कैसे कर सकता है। मैं सपने में भी पार्टी के देश विरोधी गतिविधियों से कैसे जा सकता हूँ। हमेशा पार्टी को ही निस्वार्थ से ऊपर समझकर समाज सेवा का काम किया है। इससे मैं कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जो पूरी तरह लोकतंत्र में विश्वास करती है। उदयपुर विधानसभा से विधायक पद पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी लेकिन टिकट नहीं मिलने पर अपना विरोध जताया था। लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी पार्टी किसी प्रकार का कोई नुकसान हो।